चलो पीछे चलो, फिर आगे चलो, फिर आगे चलो। हाँ मेरा सारा काम छीन गया, शर्म आ रही कि जिन लोगों ने आया भी नहीं आता उन्हें उन्होंने मांग लिया, बस पुरखा जो जो उन्होंने नहीं दिया। कहते तुम मुसलमान जी, राखी जी बोलिए जी, हमने कंप्लेन हुआ कि नहीं? हो गया, इधर 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 हो गया, साइन आ गया, क्या बात है, पूरा हो गया। यस यस, बोला पुलिस स्टेशन का। अभी जेल कभी जाएंगे सामने वाले? अनुष्का दत्ता अब और आदिल खान दुरे, अब तुम नहीं बच सकते। कैमरा लुक इधर, क्या हुआ मैम, एक बार दिखाइए उसको। कर दिया हम लोगों ने, हम सब रेडी करके ही गए। मैम एक बार और दिखाइए। चलो ठीक है, एफआईआर कर दिया। एक बार दिखाइए, उन्होंने जो मीडिया में कल बाइट दिया था, पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो हमने पूरा दे दिया है। जितनी भी गालियाँ, जितनी भी अभद्र भाषा तनुश्री दत्ता जी ने, जो मुझे कहते हैं खुद को मिस इंडिया, ये मिस इंडिया है क्या? ऐसे मिस इंडिया होती है क्या? ऐसे मिस इंडिया होते मेरे देश की? आई कांट बिलीव। मैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो उन्होंने जो गलत गलत शब्द से यूज़ किए हैं, कुछ दो चार चीज़ें बताऊँगा मैं। और आप सोचिए कि जब इस तरीके की चीज़ें एक औरत को औरत के खिलाफ अच्छी शोभा देती है, लिटरली चीज वो बौखलाई हुई सिंह होते हैं, बुल वो वैसे चार्ज करते हैं लोगों को, उसके बाद बोला जाता है शीज अ साइकोपैथ, उसको दिमाग की कोई बीमारी है, बाकी है सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ड्रग्स, वो साइकोपैथ है, सोशियोपैथ है, साइको है, वो मोबाइल कैमरा जब सन हुआ थी तब तक माँ के नाम पे भी पैसे आते थे। अरे किसी की फैमिली के अंदर क्यों घुसना है? वो माँ है, उनकी बेटी है, वो उनका पैसा ले या ना ले या उनको कुछ भी दे, आपको ये कितनी चीप किस्म की बातें है सब। पांच पति थे, शादी गए, शैतान बोला गया है, शैतान की संतान है ये, क्या बहुत अश्लील है, बहुत चीप, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच काइंड ऑफ पर्सन। और आदिल ने बोला है कि मैं मां नहीं बन सकती, मेरा यूट्रस नहीं है, इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर आदिल खान दुरानी ने लगाया है। ये प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, किसी औरत के बारे में बात करना, पता नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं किसी एक आरोपी ने जेल में आने के बाद ऐसी बातें की, बहुत घटिया किस्म की बातें है सर। और जवाब मिलेगा कोर्ट के अंदर, बिल्कुल मिलेगा। और इतने बड़े लेजेंड को, गणेश आचार्य जी को और बड़े बड़े डायरेक्टरों को, ये जो है लेडी ये बदनाम करती है। राखी जी, राखी जी अभी गणपति चल रहा है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये आदिल खान दुर्रानी जो मुर्दे हैं उनको जगा कर मेरे खिलाफ खड़ा करते हैं। आदिल तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं झांसी की रानी हूँ, मुंबई की रानी हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम मुझे नहीं डरा सकते। तुम मुझे सुपारी मेरी दी है ना तुमने, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो मेंटली, तुमने उस सबको बोला है, मुझे भी बोला है तुमने कि मैं तुम्हें इस कदर बॉलीवुड में नहीं रहने दूंगा, तुम आत्महत्या करने पर मजबूर होता हो जाओगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी। ओके ओके, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। मुंबई पुलिस, राखी जी तनुश्री ने आदिल खान के लिए मेंटू मूवमेंट चालू किया है। मुझे मेरी मुंबई पुलिस पर, मैं महाराष्ट्र गर्ल हूँ, मुझे मेरी मुंबई पुलिस पर बहुत गर्व है कि वो झूठा केस नहीं लेंगे, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। ये बार बार कहता है कहाँ के मुसलमान हैं, कभी मेरे जीसस को, कभी मेरे अल्लाह को, कभी मेरे हिंदू धर्म को बीच में लाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई लेकिन मैंने इस्लाम तो इसी आदमी के लिए कबूल किया था ना, तो इसको मुझे हिफाजत में रखना चाहिए था। अब आया मैं और इज्जत में, मैंने आज रिस्पेक्ट करी इस्लाम धर्म की, तभी अल्लाह की तरफ से मुझे बुलावा आया क्योंकि मैं सच्ची लड़की थी।
मैं उमरा करके आई हूँ, इनके खानदान में किसी ने उमरा नहीं किया, और आज देखो मैं, मुझे शर्म आती है, मैं अबाया के बगैर खड़ी हूँ इसके मुंह पे तमाचा मारने के लिए। आदिल खान दुरानी कहाँ मिलेगा? मेंटू में आपको घसीटा जाएगा। बस 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 मेंटू के बाद मेंटू भी मूवमेंट चालू हुआ है अभी, जस्ट तनुश्री ने अभी इनको किया उसके बारे में। सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, सिर्फ ये लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, मुंबई पुलिस का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। कल इन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी है, बहुत ही गंद, मेरे एडवोकेट जी बताएंगे क्या क्या बोला है। पहले बात तो हर चीज को एक मिनट में और एक लाइन ड्रॉ करके काम करना चाहिए। बिलों का बेल्ट टॉक्स वो भी एक औरत के खिलाफ बहुत चीप बात है और बहुत खराब बात है। जिस तरीके की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखी गई है, पहली बात तो मैं तनुश्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिनके साथ में बैठकर ये कॉन्फ्रेंसेस कर रही हो, आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनके ऊपर कितने केसेस है वो चेक कीजिए, कितने रेप केस है और कितने 420 के केस है। बगैर कुछ देखे मीडिया में आके बकवास मेरे लिए कर रही है। मैसूर की पुलिस हूँ क्या मैं? बगैर रेप केस किए हिंदुस्तान की पुलिस किसी को जेल में डालेगी क्या? बगैर मुझे मारे, बगैर कुपर से सर्टिफिकेट आने के बाद मुंबई कोर्ट क्या आदिल खान को जेल में ऐसी डाल देगी बगैर एनी प्रूफ के? क्या कोई कानून नहीं है क्या? ठीक है, ओके। क्योंकि मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ क्योंकि मैं मीडिया में और जनता के पास और कोर्ट कचहरी गई, इसलिए मेरा यकीन नहीं करोगे? चलो वन लेना है। थैंक यू। नहीं नहीं मुझे अंदर अर्जेंटली जाना। दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। एक मिनट, आप ड्राइवर को बुलाना चाहते हैं? हाँ, ये तो रोल कर लो। आप अंदर तो जाओ केस करने। रुकिए, हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, आप बोलिए। यही बताएं। चलो कंटिन्यू, किशन कंटिन्यू। देखिए कल कुछ मीडिया में कुछ बातें हुई है, कुछ भी बहुत सारी बातें हुई है जो नहीं होनी चाहिए। किसी के मामले में लगनअंदाजी, किसी की जो चीज़ पेंडिंग कोर्ट में, उस मामले में किसी के पर्सनल चीज़ों में किसी के बातें करना सही नहीं है। बहुत गलत भाषाओं का यूज हुआ है कल, और इसके हिसाब से जो है आज एक प्रेस कंप्लेंट फाइल करूँ जिस तनुश्री दत्ता के ऊपर और आदिल खान दुरानी के ऊपर, एक और एक कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो गलती बोली गई है, और इसलिए ये हमें आज शाम से हम बातें नहीं कर रहे थे, बातें हुई है, इसलिए काफ़ी आज थोड़ा लेट हो गया। जी कल आदिल खान दुरानी और तनुश्री दत्ता ने मेरे खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा यूज़ करी है, बहुत ही अब्यूजिंग लैंग्वेज, बहुत सारे दोष लगाए, मतलब पेज थक गए हैं, इतने सारे पेजेस जो हैं कंप्लेंट के। सो मैं अभी FIR करने जा रही हूँ और डेफिमेशन केस करने जा रही हूँ। उससे क्या होगा राखी जी? अब उससे देखिए जो भी होगा, अभी वो तो आगे पता चलेगा। कोर्ट में क्या होगा? जेल करवा दो, जेल सब मामला खत्म। अभी तनुश्री दत्ता भी आई थी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले वो लोग भी आए थे। बहुत सारे, बहुत सारे फाइल, लेकिन किस चीज़? हो ही नहीं सकते, उसके कोई कंप्लेंट नहीं हो सकते। सवाल ही उठता नहीं, वो इनसे बात करें, उनका कोई केस बनता ही नहीं। कैमरा लो। लेकिन पहले तो ये समझना जरूरी है कि कौन से केस की वो लोग बात कर रहे हैं और किस केस पे कौन से जेल में जाने की बात कर रहे हैं। पहले तो कैंसिलेशन, मेरे पास उनका कल का ताज़ा 2023 के ताज़े सारे अब्यूजिंग लैंग्वेज, जितना भी उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं ये सारे मौजूद हैं। मैंने उन पे कोई आरोप नहीं लगाए हैं, मैं अपने घर में शांत बैठी हूँ। पहली बात तो आज मैं अबाया पहन के नहीं आई, बुरखा पहन के नहीं आई हूँ मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आदिल खान। वो रोज कहते हैं कहाँ है तुम्हारा बुरखा, कहाँ है तुम्हारा बुरखा, तुम्हारी वजह से तुम मुसलमान भाई बहनों को भड़का रहे हो, तुम्हारी वजह से आज मैंने नहीं पहना है। ओके, क्या आप केस फाइल कर देंगे? जी देखिए कल
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात तो तनुश्री दत्ता जो आदिल खान के साथ में जो बैठी है, जो उन्होंने काफ़ी चीज़ें काफ़ी शब्द ऐसे अल्फाज यूज़ किए थे, हम आज उसका पूरा वीडियो देख रहे थे और सारी पॉइंट्स भी जान रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या वर्ड यूज़ किया जा रहा है, कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है और काफ़ी चीज़ें गंदी बोली जा रही है। पहली बात तो कि किसी और के केस में क्यों किसको सबको घुसना है और सबको घुस के क्यों अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज करनी है, एक हस्बैंड वाइफ का इशू है, हस्बैंड वाइफ अपने हिसाब से हैंडल करे और लीगल बैटल चल रही है, तो किसी थर्ड पर्सन का इस पर धक्का धंधा देना सही नहीं है। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाह रहा है और अभी हस्बैंड वाइफ का मैटर नहीं रहा है काशिफ जी। आदिल खान दुरानी मेरी सुपारी दे रहा है मुझे मारने के लिए, कैमरा लुक, मैंने कोर्ट में सारे सबूत दिए हैं, जैसे कि तनुश्री ने बोला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 1000 करोड़ का भी डेफमेशन केस करके आप ऐसा बोल रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं, आप लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आप लोगों लोग मीडिया से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो 1 करोड़ का इंसान को दिखाना पड़ता है कि मैं उतना वर्थ हूं। आप लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाके पेपर देखिए, वो आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने तो सारे पेपर आपको दे दिए। आज ही हमने कोर्ट में, मैं और काशिफ जी, हम मेरे एडवोकेट, हम गए थे आज और हमने आदिल खान दुरानी की बेल कैंसिल करवाई है। क्या क्या किया है हमने, उसके बारे में बता दीजिए क्या हुआ। एप्लीकेशन फाइल की है, नेक्स्ट ईयर की 6 नवंबर की दी गई है, जहाँ पे आदिल को अपना और राजश्री मोरे इनका हमने 100 CR का जो मानहानि डेफिमेशन का केस है वो कोर्ट में किया है आज। अभी तनुश्री दत्ता पर भी हम कर रहे हैं डेफिमेशन। राखी जी आपने 2018 में टारगेट किया जा रहा है, मुझे पूरा टारगेट किया जा रहा है, मैं चुपचाप अपने घर में बैठी हूँ, ना मैं काम कर पा रही हूँ, मुझ पे दाग पे दाग, दाग पे दाग, रोज नए दाग लगा रहे हैं। कभी 10 साल की उम्र में मैंने शादी करी है, कभी 16 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 50 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 100 साल की उम्र में शादी करी है, कभी मेरी यूट्रस ही नहीं है, कभी मैं माँ ही नहीं बन सकती हूँ, कभी मेरे साथ किसी ने शादी की उसने आत्महत्या कर ली है, कभी मैं उम्रा गई तो मैंने जाली पासपोर्ट बनाया, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, मैं आपने 2018 में आज मैं बगैर अबाया के आई हूँ, मैं रिस्पेक्ट इस्लाम की करती हूँ, सारे मुसलमानों को बोलती हूँ मैं कि मैं उमरा गई, मैंने अबाया पहना, मैंने रिस्पेक्ट करी, लेकिन आदिल खान दुर्रानी बार बार मेरे अबाया पे टिप्पणी मार मीडिया में कर कर के आज मैंने अबाया उतार दिया। अब कभी नहीं पहनोगे? नहीं ऐसा नहीं है, पहनोगे ना? पहनूंगी, मेरी मर्जी से मैं पहनती हूँ, मेरी मर्जी से मैं अबाया उतारती हूँ, ये मेरी मर्जी है, कोई मुझे नहीं बोल सकता क्या पहनना है मुझे क्या नहीं पहनना है। सही बात है। राखी जी 2018 में आपने तनुश्री को सेम अल्फाज यूज किए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर, आज आई थी आपके ऊपर केस करने हो कभी? आपने 2018 में, 2018 तो वो तनुश्री जी ऐसा क्यों करती है कि पहले नाना पाटेकर जी के साथ जो हुआ था केस किया था, 20 साल के बाद उठ के आके केस किया मी टू, और अभी 2018 में 4 साल पहले किया था, 4 साल बाद के उठ से नींद से उठ के आती, ये क्या कुंभकर्ण जी की बहन है जो सो जाती है और बाद में नींद से उठ के बाहर आने के बाद में केसेस करती है, क्या है उस वक्त क्यों नहीं किया? पुलिस और कोर्ट का कोई टाइम होता है, अगर वो 1 साल के अंदर केस करती तो उनका केस मायने होता, अभी कोई मायने नहीं रखता है, मैं राइट सर। राजस्थान 2023 में मैन टू आपके ऊपर करने वाली, आप ये कह रहे कि मी टू मामले पर कोई आ ही नहीं सकती महिला, मतलब अगर उसका जब क्या कहना चाहेंगे फिर से राखी जी ने क्या कहा, क्या मतलब बराबर वो चला रहे हैं उसका खुद का केस है, लेकिन जहाँ तक ये राखी की बात है और राखी में जाकर 2018 वाली बात हो रही है तो मैं एक कानूनी एंगल आप लोगों को बताना चाहूँगा। CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर किसी भी केस में जहाँ पे 2 साल से ऊपर की सजा नहीं होती है, 3 साल से ऊपर की सजा नहीं होती है, उस पर टाइम लिमिटेशन केस फाइलिंग का 1 साल का होता है, तो यहाँ पे तो 4 साल निकल चुके तो आप ऑलरेडी डेड, तो ये केस कैसे फाइल होता है? तो मेरा पूछो राखी जी इससे पहले, राखी जी सिर्फ मीडिया का टाइम वेस्ट करते हैं, रोज पुलिस स्टेशन में बाहर अंदर जाते बाहर आते, कोई केस ना कर पाएंगे ना होगा मेरे खिलाफ, और क्यों? क्योंकि मैंने तनुश्री के लिए कुछ बोला ही नहीं है, अगर वो 18 की बात कर रही है तो पुलिस
भी शातिर है हमारे मुंबई की। 18 तक अभी तक सो रही थी क्या? अभी तक सो रही थी। राखी आप भी नाना पाटी को समझ नहीं चलता कि केस में बीच में बैठी कमाल कौन है? कौन है समीरा? कौन है दिखाओ? समीरा कौन? टेलीग्राम हाँ छोटू बोलो। वो उसको इग्नोर मत करो, उसको रिप्लाई करो। अरे वो पूछ रही है कुछ। हाँ बोलिए बोलिए। दे दो ना करारा जवाब। देखो राखी जवाब दो, करारा जवाब देना। उस गाने में तनुश्री दत्ता को निकाला गया था, उस गाने में राखी सावंत। आधी रात को नाना पाटेकर जी जो लेजेंड है बॉलीवुड के, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, हमारे गुरु है, महाराष्ट्र के लेजेंड है, उन्होंने गणेश आचार्य जी ने, नाना पाटेकर जी ने सही मतलब एक रिस्पेक्ट करते हुए जिस वक्त तनुश्री दत्ता जी सेट छोड़ के चली गई थी, उन्होंने कहा कि नाना जी ने उनको आँख मारी। बताओ, शेम ऑन हर, आँख मारी इसलिए उसे छोड़ के चली गई। उस रात को 104 बुखार में उस गाना करने के लिए मुझे बुलाया गया था। 20 साल पहले की बात है ये, 20 साल पहले 2001 में। कितने 22 साल हो गए? देखिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, ये पुरानी 20 साल पहले वो गाने में मैं थी, इसीलिए मैं बहती गंगा में मैं हाथ नहीं धोती हूँ। उस गाने में मैं थी, इसलिए मैं आई बताने कि मैं नाना पाटेकर जी एक शरीफ इंसान है, बॉलीवुड के देवता है, बॉलीवुड के लेजेंड है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम दिया है बॉलीवुड में, हमारे महाराष्ट्र की शान है, जान है।